रफेल होविट्सर का बड़ा हमला, खबर आई है किस तरीके से मुज़्ज़िवका में भी अब यूक्रेनी पोजीशंस पर अटैक हुए हैं और खार्किव में यूक्रेनी बंकर्स तबाह करने का किया जा रहा है बड़ा दावा। और यूक्रेनी सेना पर रूस का प्रचंड हमला, बड़ी खबर आपको बता दें, जाओगने मिलारेस से ताबड़तोड़ फायरिंग हुई और यूक्रेनी ठिकानों को टारगेट किया गया, यूक्रेनी सेना को भारी नुकसान का दावा। रूसी सेना ने जारी किया विध्वंसक वीडियो, देखिए तस्वीर। एक और सबसे बड़ी खबर, जहां पैसिफिक में बड़े युद्ध की तैयारी कर रहे हैं रूस और चीन। आपको बता दें वेस्ट पैसिफिक में रूस चीन की सेना की मूवमेंट को लेकर खबर आई है, जापान के आसपास चीन रूस की सेना हलचल तेज हो चुकी है। आपको बता दें मियाको असुमी और सुशिमा स्ट्रेट में हलचल को लेकर खबर बड़ी है और अमेरिकी न्यूज मैगजीन न्यूज वीक के जरिए किए जा रहे इस खुलासे के बारे में और इन्फॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि पैसिफिक में बड़े युद्ध की तैयारी में चीन और रूस, ये बड़ा सवाल। दीपक वोरा सर, एक क्विक रिएक्शन इस इन्फॉर्मेशन के बाद आपसे चाहूंगी, क्योंकि मियाको असुमी सुशिमा सुगारू लापेरू स्ट्रेट में मूवमेंट और जून में 14 रूसी और चीनी जहाजों का ये बड़ा इंटरसेप्ट, ये बेड़ा इंटरसेप्ट किया गया है, जहां आपको बता दें मई में 27 रूसी चीनी वेसल की मूवमेंट देखी गई है और रूस से कुरिल आइलैंड को लेकर विवाद है, जहां चीन से सेनकाकू आइलैंड को लेकर टेंशन। अब न्यूज वीक की तरफ से भले इसको लेकर दावे किए जा रहे हैं, लेकिन इसका मतलब क्या है, क्योंकि यहां पैसिफिक में क्या ये बड़े युद्ध की तैयारी में और रूस और चीन साथ। ये जो आपने अभी बताया है कि बेड़ों के बारे में खबर दी है वो सही, दैट इज नॉर्मल जो ये देख रहे हैं। मैम हम लोगों की ट्रेनिंग होती है कि उसका इंटेंशन क्या है, चाहता क्या है। अगर पुतिन साहब और टिंगटोंग साहब कुछ जॉइंटली प्लान कर रहे हैं इंडो पैसिफिक में, नहीं करेगा, उसको मिलेगा क्या? अगर वो चाहता है कि मैं कुछ करूं, चीन का इरादा है कि मैं ताइवान को ले लूं और बाकी सब जितने देश में रेंगिड है उनकी पिटाई करूं, रूस ये चाहता है कि नेटो मेरे बॉर्डर से हट जाए, तो इंडो पैसिफिक में करने का कोई मतलब नहीं होता, सिर्फ दिखाने के लिए कि हम भी खड़े हैं राहों में। मेरा मानना है कि रूस का फोकस रहेगा यूक्रेन पर, जैसे इजराइल का रहेगा गाजा पर। फाइनली जनरल बख्शी साहब मुझसे ज्यादा बेहतर आपको समझा पाएंगे, यूक्रेन की समस्या इस समय हथियारों की नहीं है, मैन पावर की है। मैम आप तो महिला है, क्षमा कीजिएगा, 9 महीने तो पेट में बच्चे को रखना पड़ता है, तब बच्चा पैदा होता है, 18 साल की उम्र में जाके वो एडल्ट बनता है, लड़ेगा। सुना है कि अब वो रिक्रूटमेंट एज 16 साल की कर, उसके पास लोग ही नहीं बचे हैं लड़ने के लिए, तो फिर नेटो बूट्स ऑन द ग्राउंड अगर नहीं आएंगे तो यूक्रेन बिल्कुल खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, यही मेरा ख्याल पुतिन साहब इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल सर, अब नेटो कैसे कर रहा है न्यूक्लियर ब्लैकमेल, एक और बड़ी खबर है, नेटो के न्यूक्लियर ब्लैकमेल पर चीन भड़क गया है और बीजिंग पर झूठ फैलाना बंद करे नेटो। आपको बता दें परमाणु खतरा नेटो बढ़ा रहा है, चीन की तरफ से ये बात कही जा रही है और नेटो का ये न्यूक्लियर ब्लैकमेल, इसको लेकर चीन किस तरीके से अभी भड़का हुआ है, क्या है ये चेतावनी, इस बारे में और इन्फॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि चीन के विदेश मंत्रालय की नेटो की चेतावनी को लेकर ये बड़ी खबर आई है, झूठी अफवाह फैलाना बंद करे नेटो, न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग ना करे नेटो, चाइनीज न्यूक्लियर थ्रेट का झूठ नेटो फैला रहा है और न्यूक्लियर आर्म की रेस बढ़ा रहा है नेटो, चीन के नाम पर खुद न्यूक्लियर हथियार नेटो बढ़ा रहा है। इस बीच बड़ी खबर, चीन और रूस को नेटो की बड़ी वार्निंग, जहां अगले 24 घंटे में नए नेटो फोर्स की घोषणा और रूस चीन के खिलाफ रिएक्शन फोर्स हो रही है तैयार। आपको बता दें रूस चीन बॉर्डर के नजदीक ये तैनाती को लेकर इनपुट है, न्यूक्लियर वॉरहेड से लैस हो सकती है नई नेटो फोर्स, ब्रिटिश न्यूज एजेंसी का ये बहुत बड़ा दावा है। इस दावे के तहत इस फोर्स के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि नेटो का रिएक्शन, रूस चीन को टेंशन, 1 जुलाई को नेटो की नई अलायंस फोर्स का ये ऐलान मुमकिन है, जहां रूस और चीन को काउंटर करने के लिए बनाई गई नई फोर्स को लेकर खबर बड़ी है, न्यूक्लियर वॉरहेड से लेस हो सकती है नई रिएक्शन फोर्स और नेटो में नेटो ने रूस और चीन बॉर्डर के नजदीक तैनाती का भी बनाया है प्लान। आपको बता दें रिएक्शन फोर्स में ज्यादा अमेरिकी सैनिकों के होने की भी संभावना है। तो वॉर जोन से आ रही तमाम बड़ी खबरों पर रहेगी हमारी नजर। हमारे दोनों खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी बने रहे हमारे साथ।